दोस्तों, अगर आप YouTube पर आना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चैनल कैसे क्रिएट किया जाता है, YouTube चैनल कैसे क्रिएट किया जाता है, और YouTube पर वीडियो कैसे अपलोड किया जाता है, थंबनेल कैसे लगाया जाता है, थंबनेल क्या होता है, ये चीज़ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। स्टेप बाई स्टेप मैं पूरा आपको समझाऊँगा, तो आज का ये वीडियो स्किप मत करना दोस्तों। वीडियो बहुत नॉलेजबल होने वाला है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको यूट्यूब से जुड़ी सभी जानकारी मिलती रहे। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, अगर आप यूट्यूब पर आना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करना होगा। तो ये चैनल कैसे क्रिएट करना होगा, तो दोस्तों अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर मैं आपको पूरा सब कुछ दिखा देता हूँ। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपके पास ओल्ड जीमेल आईडी होगा, बट उस पर आपको क्रिएट नहीं करना है, न्यू जीमेल आईडी क्रिएट कर लेना है, फिर उसके बाद न्यू चैनल क्रिएट करना है न्यू वाले जीमेल आईडी पर। तो दोस्तों, चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ और आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको न्यू जीमेल आईडी क्रिएट कर लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगो पर क्लिक करते हैं और योर चैनल पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमारा चैनल खुल चुका है, और यहाँ आप देख सकते हैं पेंसिल का आइकन शो कर रहा है। अभी इस पर क्लिक करते हैं और चैनल क्रिएट करते हैं। पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर लिए हैं। अब यहाँ पे नेम जैसे लिखा है शिवा गुप्ता, पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके आपको जो अपने चैनल का नाम देना है, तो यहाँ पर आप चैनल का नाम दे दीजिए। यहाँ पर हम म्यूज़िक बैकग्राउंड एक आपको दिखाने के लिए सिर्फ ऐसे बना रहे हैं, म्यूज़िक बैकग्राउंड चैनल का नाम है। आप अपने हिसाब से टेक्स से रिलेटेड है तो टेक्स से रिलेटेड डालिएगा। तो यहाँ पर ओके कर देते हैं, और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ फिल कर देना कि आपका चैनल किस कैटेगरी पे। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पर कॉपीराइट फ्री म्यूजिक मिलेगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर आवर चैनल, यहाँ पर थैंक्स फॉर आवर चैनल लिख दें, और उसके बाद ओके करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर ओके करते हैं, आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर प्राइवेसी शो कर रहा है, इन दोनों को ऑन कर लेना है। और आप लोगो चेंज करते हैं, आप लोगो के कैमरा पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चूज़ फ्रॉम योर फोटोज़, यहाँ पर आप गैलरी में आ जाएंगे और आपको वो फ़ोटो चूज़ कर लेना है जो प्रोफाइल पे लगाना है। अब इसको हम जूम आउट कर लेते हैं और फिर उसके बाद सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर जूम आउट हो गया और आप करते हैं सेव। अब ये सेव हो चुका, और रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद हमारा प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। आपको राइट की तरफ एक कैमरा का आइकन शो कर रहा है, उस पर क्लिक करना है, और आपको अपना बैकग्राउंड चेंज कर लेना है। आपको बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है, फिर उसके बाद ऑल डिवाइस में परफेक्ट सेट कर लेना है, तभी डिवाइस में कुछ आपका परफेक्ट दिखेगा। अब यहाँ पर सेव कर लेते हैं, और आप यहाँ पर अपडेट हो चुका है, और मोबाइल के आइकन पर शो करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस टाइप का दिखता है। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने चैनल को यूट्यूब सर्च में कैसे ला सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और थ्री डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड कर लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं डेस्कटॉप मोड पर ओके कर देना है। फिर उसके बाद आपको यूट्यूब में आना है, सॉरी क्रोम में आकर www.youtube.com सर्च कर लेना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, आपको अपने चैनल के लोगो पर क्लिक कर लेना है और योर चैनल में आ जाना है। फिर देखिए दोस्तों, कुछ इस टाइप का आपका इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ पर आपको आ जाना है कस्टम चैनल में। कस्टम चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपका YT स्टूडियो क्रोम के थ्रू खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर वेलकम टू योर YT स्टूडियो, मतलब यूट्यूब स्टूडियो चैनल। तो यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना है सबसे पहले, और यहाँ पर चैनल पर आ जाना है, और यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं इंडिया, इंडिया से आप अगर इंडिया से हैं तो इंडिया आपको सेलेक्ट करना है, इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना ऐड कीवर्ड्स अपने चैनल के नाम डाल देना है, जैसे म्यूज़िक बैकग्राउंड है तो आपको म्यूज़िक बैकग्राउंड सबसे पहले डालना है, फिर उसके बाद म्यूज़िक अलग डालना है, बैकग्राउंड अलग डालना है, फिर उसके बाद बैकग्राउंड म्यूज़िक, आप अपने हिसाब से टाइटल जैसे जैसे आपके ऑडियंस सर्च करते उस टाइप से आपको डाल देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं डाल लिए हैं, उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आप ये चीज़ सीख गए होंगे कि YouTube पर चैनल कैसे क्रिएट किया जाता है।
दोस्तों अगर आप YouTube पर वीडियो अपलोड करना नहीं जानते हैं, इस पर वीडियो चाहते हैं, तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो लिंक आई बटन पर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि YouTube पर वीडियो कैसे अपलोड किया जाता है। सबसे सरल लैंग्वेज में बताएं दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आपको YouTube से जुड़ी सभी जानकारियां मिलते रहें। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें Instagram पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।